साथियों, अखंड भारत साइकिल यात्रा की आज की इस कड़ी में हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ का मेला भी यहीं लगता है। जी हां, मैं पहुंच गया हूं संगम तट प्रयागराज माघ मेला देखने अपनी साइकिल पर। साथियों, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। इस एक अकेले मेले के आयोजन के लिए सरकार को पूरी इच्छा शक्ति से काम करना होता है। श्रद्धालुओं एवं महंतों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो, जल आपूर्ति हो या दूसरी अन्य ज़रूरतें, इन सबको पूरा करने के लिए किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इन मेलों में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा रोज होता है। तो सबसे पहले इस शानदार शाम पर माँ गंगा का दीदार कर लीजिए। साथियों, मैं एक खोजी किस्म का इंसान हूं और मुझे हंसी आती है सोचकर कि मैं ऐसा क्यों हूं। सब आते हैं मेले में स्नान करने और करके वापसी कर लेते हैं, पर मेरे मन में एक कौतूहल रहता है और मैं किसी स्थान पर जाकर वहां के विषय में समझना चाहता हूं, उसे करीब से देखना चाहता हूं। ऐसे मेलों में तो मैं बाबाओं से भी दोस्ती करता हूं, तो यही करने में निकला था, पर रास्ते में फिर से टकरा गए नारायण स्वरूप बच्चे जो गंगा मैया की रेत से लड्डू बना रहे थे। पहले तो मुझे देखकर शर्मा गए और छुपने लगे, पर मैं दोस्ती बड़ी जल्दी करता हूं, तो जब हम दोस्त बन गए तो फिर से कैमरा पर सबकी एंट्री हुई और एक सिपाही भाई साहब का भी बाल मन मेरी तरह जाग गया और वे पूछे इसके बाद वे चलते बने और हम अपने काम पर लग गए। और इसके बाद एंट्री होती है इन बच्चियों के भाई की, और भाई के आते ही क्या होता है वो अब देखिए। फिलहाल लड्डू दोबारा बनने चालू हो गए। सीखिए इन बच्चों से, ये बच्चे कभी हार नहीं मानते। आप इनका लड्डू फोड़िए, ये फिर से बना लेंगे। और दोस्ती अब इतनी पक्की हो चुकी है कि बच्चे बोल रहे हैं बीच वाली बच्ची को देखिए, इसकी अदा के सामने प्रियंका चोपड़ा भी शर्मा जाएं। और अब भगवान के इन ब्रांड एम्बेसडर्स की बात ध्यान से सुनिए। अब हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं भंडारा खाने, क्योंकि भूखे पेट भजन होता नहीं है और रात भी काफ़ी हो गई है, तो भंडारा खाकर हम सो गए। अगली सुबह विचार बना कि आज संगम के बीचों बीच जाकर स्नान किया जाए, तो बीच में जाने के लिए चाहिए नाव, तो नाव तो बुक कर लिया गया। और इस मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, उन्हें नमकीन सेव अच्छी लगती है, तो उन्हें नमकीन सेव खिलाया। और जो साइकिल मुझे लेकर पूरे देश में ढोने वाली है, आज मैं उसको नाव की सैर करा रहा हूँ। तो आज मैं निकला हुआ हूँ संगम तट पर नाव से घूमने, और इस साइकिल ने मुझे बहुत दूर तक मेरा साथ दिया है। मैं इसको सुल्तानपुर अपने जिले से लेकर आ रहा हूँ और इस साइकिल से मेरा उद्देश्य है कि पूरा देश घूमूंगा। अगर ये मेरा वजन उठा रही है इतनी दूर तक, मैंने सोचा मैं भी घूमने निकला हूँ और साइकिल को लेकर मैं घूमने निकलूंगा। तो अपनी साइकिल के साथ मस्ती कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, संगम के बीचों बीच डुबकी लगाकर ऐसा लगा मानो जैसे मोक्ष ही प्राप्त हो गया हो, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। साथियों, इन नदियों को सनातनी माँ क्यों बोलते हैं, ना समझ आ रहा हो तो ध्यान से देखिए इस मेले को। नदियों के इस संगम के इर्द गिर्द एक महीने तक लाखों लोगों की रोजी रोटी टिकी होती है। जितने दिन मेला चलता है, समझिए एक पूरा पूरा शहर यहाँ बसा होता है। खैर, इसके बाद हम संगम तट पर बने अकबर के किले में विद्यमान अक्षयवट को देखने चले आए। कालांतर में ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर आत्महत्या करके सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी है, क्योंकि यहाँ जान देने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा उस वक्त के लोग मानते थे। तो यहाँ दर्शन आदि करके हम निकल आए बाहर। यह किला अकबर के द्वारा बनवाए गए सबसे बड़े किलों में से एक था। खैर, यहाँ से निकलकर हम माघ मेले में ही लगे अंडर वाटर एक्वेरियम में आ गए, जहाँ सैकड़ों तरह की छोटी बड़ी मछलियों की प्रजातियाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। और यहाँ मैं अपने आईफोन से जीवन में पहली बार अंडर वाटर शॉट लेने की मैंने कोशिश की। Oh,
अब वक्त हो चला है यहाँ से अलविदा लेने का और प्रयाग से आगे कौशाम्बी की तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन बीच में थोड़ा वक्त देकर रास्ते में पड़ने वाली कुछ और चीज़ों को हम देख लेंगे। तो ये है सिविल लाइंस में पड़ने वाला मेथोडिस्ट चर्च, जिसे लाल गिरजाघर भी कहते हैं। वैसे तो आम लोगों के लिए यह सिर्फ रविवार को ही खुलता है, पर हम तो खास लोग हैं, तो कटीले तारों के नीचे से खास तौर से हम घुस गए। इसको देख सुनकर हम आगे बढ़ गए कौशाम्बी की तरफ, जहां रास्ते में कैंट एरिया के अंदर जवानों की मॉक ड्रिल भी देखी। साथियों, इस वीडियो पर यदि अब तक बने हो तो जरूर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर देना, अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज की जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय श्री राम।